आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें आपके पाठ है राजा राम मोहन राय, जिसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मनु मनु के दो भाग पढ़ लिए, कौटिल्य के दो भाग पढ़ लिए, शुक्राचार्य के दो भाग पढ़ लिए, और ये चौथा पाठ जो है आपके राजा राम मोहन राय है, इसके भी हम दो भाग पढ़ेंगे। दो भागों में जो है ये कंप्लीटली हो जाएगा। आपके लिए राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है, जिसमें से राजा राम मोहन राय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसको पूर्णतया बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक सुने। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। एक आपके नॉलेज के लिए भी है और इसके साथ साथ जो है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको इस चैनल पर कौन कौन से यानी पाठ मिल जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाते हैं? हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, पर्यावरण, गांधी जीवन और दर्शन, कंप्यूटर, इस प्रकार के 9 जो विषय हैं वो अभी वर्तमान में अपलोड किए जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें और अपने एग्जाम को यानी अपनी जो एग्जाम की तैयारी, इसको सुचारू रूप से करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो बनने पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में 1772 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा, 1772 से 1833, यानी आपके लगभग 51 वर्ष की उम्र, यानी 61 उम्र, 61 सॉरी, यानी 28 और 33, लगभग जो है 61 वर्ष की उम्र तक उनका जीवन काल रहा। उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि राम मोहन राय भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके राजनीतिक विचार पढ़ेंगे, उनके धार्मिक विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें भूमिका के रूप में ये लिखना है कि भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे। देश की महान प्रतिभाओं में राम मोहन राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के स्रष्टा थे जिन्होंने आधुनिक भारत को जन्म दिया था और आधुनिक भारत के संदेशवाहक भी कहलाते हैं। धर्मगत और रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो है अग्रणी स्थान रखता है। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की थी, और 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज जो है विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को और सामाजिक आंदोलनों को यानी अग्रणी करने में अग्रणी था। उनका जीवन परिचय यदि हम देखें तो पहला है कि 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में उनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में और बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। राम मोहन राय के पिता में दादाजी कृष्णचंद्र बैनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय राय की उपाधि दी थी। तो कहने का अर्थ है कि इनके जो राय की उपाधि है वो इनको कहाँ से प्राप्त हुई थी? राय की उपाधि है कृष्णचंद्र बैनर्जी, जो इनके दादाजी थे, बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी, बंगाल के नवाब के द्वारा। इसके बाद राय राय का संक्षिप्त रूप इस परिवार के साथ राय जुड़ गया और इसने उनके जातिगत विभेद बैनर्जी का स्थान ले लिया। यानी पहले उनके बैनर्जी हुआ करते थे, ये बैनर्जी के स्थान पर फिर ये कृष्णचंद्र राय हो गए। रामाकांत राय और तारिणी देवी के पुत्र थे। रामाकांत राय कृष्णचंद्र बनर्जी के पुत्र, जिनके पुत्र का नाम था रामाकांत राय, रामाकांत के बेटे थे ये राममोहन राय। माँ का नाम तारिणी देवी था। परिवार जो उनका था सुसभ्य था, धर्मनिष्ठ था, ईश्वर भक्त था। इनके बारे में यदि और हम देखें तो इनके राममोहन राय पर वैष्णव भक्ति के वो धर्म संस्कार नहीं पड़े थे जिनकी परिवार आशा कर सकता है। यानी उनके परिवार में वैष्णव भक्ति के धार्मिक संस्कार व्याप्त थे, लेकिन राजा राम मोहन राय पर उनका असर नहीं हुआ। उनकी दृष्टि में उनके पिता बहुत अधिक परंपरावादी थे, पिता मूर्ति पूजक थे, किंतु राम मोहन राय है वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राम मोहन राय अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते रहते थे, या जब कभी भी उन्हें लगता तो वे अपने विचार व्यक्त करते थे। परिणामतया उनकी अपने पिता से अनबन रहने लगी और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ना उचित समझा और उन्होंने घर छोड़ दिया। जीवन की उपलब्धियां और कौन कौन सी है देखिए। जीवन की उपलब्धियों में राम मोहन राय संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। अरबी फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के कारण उन्हें मौलवी की उपाधि भी दी गई थी।
देखिए कौन सा, यानी ये एक हिंदू धर्म में जन्म लेकर के इनको अरबी फारसी का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इनको उपाधि मौलवी की उपाधि भी थी राममोहन राय को। 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण लिपिक के रूप में काम किया था। सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो कलर के रूप में काम किया था, और 1814 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़ करके धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना शुरू किया। और उनकी भेंट यहाँ पर H.H. विल्सन है, मैकाले है, सर विलियम जोन्स है, सर हाइडिस्ट है, एडम्स जैसे अंग्रेजी विद्वानों से यहाँ इनकी मुलाकात है, वो विभिन्न विभिन्न जो है यूरोपीय अंग्रेजों से हुई। 1815 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला अनुवाद किया था। 1816 में उन्होंने केन और ईशोपनिषद जो उपनिषद है उनका बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1820-21 में उन्होंने कई ईसाई धर्म पुस्तकों पर अपनी व्याख्या प्रकाशित की थी, जिनको बाद में विवाद भी उत्पन्न हुआ था, लेकिन उन्होंने कई ईसाई पुस्तकों का को प्रकाशित भी किया, हिंदी में भी लिखा, बांग्ला में भी लिखा था। ये इनका जीवन की उपलब्धियां थी। इसके अलावा उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं भी निकाली, जैसे बांग्ला में उन्होंने संवाद कौमुदी निकाली थी, फारसी में उन्होंने बिरातुल अखबार नाम जो है निकाला था। ये दो पत्र उन्होंने निकाले थे, संवाद कौमुदी बांग्ला में थी और मिरातुल अखबार वो फारसी में थी, जिनमें साहित्य ऐतिहासिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख लिखा करते थे। 1815 ईस्वी में राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1815 ईस्वी में, और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है इनके जीवन के बारे में और थोड़ा यदि हम जानना चाहें, तो बुद्धिवाद और उदारवाद के इस यात्री ने 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया। 15 नवंबर 1830 को जब ये इंग्लैंड गए थे तब अपने भारत में विदेश जाना है वो अच्छा नहीं माना जाता था। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका वहां पर हार्दिक स्वागत किया गया, और वहां पर विख्यात अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जैसे जेरेमी बेंथम से उनकी मित्रता हो गई थी। जेरेमी बेंथम से वहां जाकर के मिले थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, और स्वयं जो ब्रिटिश सम्राट थे उन्होंने भी उनका सम्मान किया था। राममोहन राय इंग्लैंड से फ्रांस गए थे, और फ्रांस जाने पर वो वहां पर बीमार पड़ गए थे। ये 1833 की बात है, और वो वहां से क्या है कि वापस इंग्लैंड लौट आए, और इंग्लैंड लौट आने पर 20 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया ब्रिस्टल में। वहां पर उनका उनकी मूर्ति भी है, उनका वहां पर मूर्ति भी है, यानी ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो यानी वो भारत में नहीं इंग्लैंड में उनका देहांत हुआ था। ये तो था उनका परिचय, बहुत ही अच्छा परिचय था। अब हम देखते हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या है। राजनीतिक विचार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक विचारक थे। धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा कई काम किए गए, और राजनीतिक जागृति को जन्म देकर के उन्हें नवीन भारत का संदेश वाहक बना दिया था। यानी जब उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर अपने विचार व्यक्त किया, अपना जीवन समर्पित किया, तो इसी वजह से यहाँ के भारतीयों ने उसे नवीन भारत का संदेश वाहक किया था, यानी उन्हीं के कारण उनको नवीन भारत का संदेश वाहक कहा जाता है। राम मोहन राय के राजनीतिक चिंतन का विचार हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला बिंदु है वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन, राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। राज्य के कार्यक्षेत्र में उन्होंने कार्यक्षेत्र के संबंध राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे। उनके अनुसार राज्य के कार्य ये थे, कौन कौन से? एक तो राज्य का काम उन्होंने बताया था कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा का काम जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है राज्य के लिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार का प्रयत्न करे। ये जो है उन्होंने मुख्य रूप से कार्य बताए थे। इसके अलावा जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी उस समय उनकी आयु है वो 17 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 17 वर्ष थी। 1772 में इनका जन्म होता है, 1789 में क्रांति होती है, 1789 में, तो 1789 में 17 वर्ष के थे ये। अतः इस क्रांति के महान मूल्यों का उन पर प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक था। जैसे वाल्टेर है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो है, इनकी तरह राम मोहन को भी स्वतंत्रता के आदर्श से बहुत अधिक प्रेम था। वाल्टेर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू इनकी तरह ये स्वतंत्रता प्रेमी थे। अगस्त 1821 को राम मोहन ने कलकत्ता जर्नल नामक पत्रिका के संपादक जो थे, कौन थे? उसका नाम था J.S. बंकिंगम, और उनको एक पत्र लिखा था। कलकत्ता के जर्नल को कलकत्ता के पत्रकार, 1821 में उन्होंने पत्र लिखा था, और पत्र लिख करके उन्होंने लिखा था
कि अंततोगत्वा यूरोपियन राष्ट्र और एशियाई उपनिवेश निश्चय ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे, ये उन्होंने एक पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बात लिखी थी, उन्होंने ये भी लिखा था कि 1820 में नेपल्स में स्वेच्छाचारी शासन की पुनः स्थापना हो गई तो राममोहन को बहुत अधिक दुख हुआ 1820 में। 1821 में जब राजा फर्नांडिस को विवश होकर के एक संविधान देना पड़ा तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक भोजन दिया था। इन राजा फर्नांडिस है, उनको एक संविधान की रचना करनी पड़ी, यूं कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करनी पड़ी, और लोकतांत्रिक स्थापना पर 1821 में वो है बहुत अधिक खुश हुए और सभी को भोजन दिया था। उन्होंने ये पत्र लिख करके भी ये कहा था कि यदि अंग्रेज सरकार यदि भारत को समझना चाहती है तो उसे भारतीयों से विश्वास प्राप्त करना होगा, तभी जा करके वह जो है यहाँ पर शासन कर सकती है। दूसरे उनका विचार है प्रेस की स्वतंत्रता। अखबार या प्रेस की या विचारों को वो स्वतंत्रता के प्रेमी थे। राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे, और मिल्टन की भांति उनका विचार ये था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति अपनी बातों को लिख करके अवगत करवा सकता है, ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब राममोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्र कुमार टैगोर, इनके साथ मिलकर के प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी थी। सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने एक अपील की थी कि भाई इस पर इसको आप प्रतिबंधित करते हो, ये ठीक नहीं है। और राय के अनुसार जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंच जाता है और क्रांति को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि जब आप प्रेस पर प्रतिबंध लगाओगे तो निश्चय ही भारत में क्रांति होगी, और उस क्रांति का फल जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। और उनका ये विचार था, उनका मत ये था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वो समाज किसी भी प्रकार की उन्नति के निश्चित पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। राममोहन राय स्वयं एक पत्रकार भी थे। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक जो है बांग्ला भाषा में एक पत्रिका निकाली थी, मीरातुल अखबार फ्रांसीसी भाषा में निकाला था, और उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है वो भी एक पत्रिका निकाली थी। तो ये स्वयं जो है पत्रकारिता के भी काम करते थे, और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया था। तीसरी बात है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राजनीतिक विचारों में राममोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपना विचार व्यक्त किया। अपने विचारों में उन्होंने लिखा कि जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरुद्ध, उन्होंने कहा कि जूरी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो न्यायाधीश है वो जातिगत भेद के आधार पर यदि मुकदमों का निर्णय सुनाता है तो वो किसी काम का नहीं है। 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चल रहा हो तो हिंदू और मुसलमान जूरी नहीं बैठ सकेंगे। 1827 में अंग्रेजों ने एक संविधान बनाया था, कानून बनाया था, और उस कानून में ये लिखा था कि यदि मान लो किसी अंग्रेज पर मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे की सुनवाई हिंदू और मुसलमान जूरी नहीं कर सकेंगे। तब उन्होंने 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की थी, और उस याचिका में राममोहन राय की सबसे विशेष भूमिका थी। 17 अगस्त 1829 को याचिका तैयार की गई कि भाई क्यों नहीं, यदि आपके अंग्रेजों का मुकदमा चल रहा है या कोई ईसाई का मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में हिंदू और मुस्लिम जूरी हो क्यों नहीं बैठ सकते। इस पर उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था आपकी चलने वाली नहीं है। अगला विचार है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। 1833 में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राममोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था के में कुछ सुधारों की सिफारिश की भी थी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों में ये सिफारिश है, ये सुधार होना चाहिए। वो सुधारों में पहली बात उन्होंने लिखी कि लोक सेना की स्थापना, देशी लोक सेना, यानी जो सेना है सेना के सैनिक जो है वो देशी होने चाहिए, भारतीय ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने लिखा कि देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना चाहिए, रैयत की दशा में सुधार किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, स्थायी भूमि का प्रबंध किया जाना चाहिए। ये बातें जो है उन्होंने किनको अंग्रेज सरकार के समक्ष लिख करके प्रस्तुत किया था। तीसरी बात उन्होंने लिखी थी राममोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के स्थान पर न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सीमा का सुझाव देकर के ब्रिटिश सरकार को यह सुझाव दिया था। यानी उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि 22 वर्ष की आयु सीमा, यानी जो है उन्होंने 21 वर्ष या 19 वर्ष कर दी थी, पहले 21 वर्ष थी फिर उन्होंने घटा करके 19 वर्ष कर दी थी,
कि भाई एक आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाला है, 19 वर्ष का होगा, तब उन्होंने कहा कि ये अवस्था अपरिपक्व है, इसलिए कम से कम उसकी उम्र है 22 वर्ष तो होनी चाहिए। भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार उनको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने लिखी, यानी अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की। तो यूं कह सकते हैं कि भारत के लिए वो एक नवीन संदेशवाहक थे। पांचवा उनका जो सुधार था, या पांचवा राजनीतिक विचारों में था, राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राव मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे और उनके अनुसार समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा जो कानून निकला था, यानी सती प्रथा जो कानून निषेध जो कानून बना था, सती प्रथा निषेध, वो इनके प्रयासों से ही बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 1829 में यानी उन्होंने ये रखा था। इसके अलावा है आपके, छठी बात है मानवतावाद और विश्व बंधुत्ववाद, यानी वसुधैव कुटुंबकम के ये यानी यूं कैसे समर्थक थे। राममोहन राय महान मानवतावादी थे, विश्व नागरिकता के प्रतिपादक और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। बेंथम ने राममोहन राय को सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करते थे। बेंथम जो थे, जो इंग्लैंड में उनसे मिले थे, उनसे उनकी दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने यानी मानवतावाद की, उनका जो सार्वभौमवाद और मानवतावाद जो की जो सोच थी, उस पर बेंथम उनकी प्रशंसा करते थे। और राममोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले के द्वारा निपटाया जा सके, और वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि जिसमें अंतरराष्ट्रवाद झलकता था, और वो यही प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, इस प्रकार के धर्म, इस प्रकार के व्यक्तियों में इस प्रकार के विचार आए ताकि वो किसी भी प्रकार से लड़े भिड़े नहीं, और वे एक मनुष्य को मनुष्य समझ करके और यहाँ शासन करें, यहाँ रहें। राममोहन राय के धार्मिक विचार, ऐसा प्रश्न आ सकता है। राजनीतिक विचार हमने पढ़ ली, अब हम धार्मिक विचार देखते हैं। राममोहन राय प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे, और मोनियर जो विलियम्स है वो यही कहते थे कि वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसमें निहित सत्य को समझा। यानी वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के जितने भी धर्म थे, उन धर्मों में जो अच्छी बातें थी, जो निष्ठा थी, उनका उनको उनके सत्य को समझा, और उनके प्रति उनके जो अच्छे या सुलझे हुए जो विचार थे उनका सम्मान उन्होंने किया, वो पहले व्यक्ति थे। उनके धार्मिक विचारों में पहला है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन, ये उनके उनका पहला था। राममोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद, तौहीद मतलब ईश्वर की एकता, तौहीद के सिद्धांत से प्रभावित थे, और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की सरल और उदात्त नैतिक शिक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त की थी। तो यूं कह सकते हैं कि अपने उपनिषदों में एकत्ववाद और मुस्लिमों के तौहीद और ईसाई धर्म के न्यू टेस्टामेंट, इनको उन्होंने सीखा था, और उन्होंने देखा कि इन तीनों में बात एक मिल रही है। लेकिन उन्होंने ईसाइयों का जो त्रिदेव दर्शन है, जिसमें परमात्मा पुत्र होली गोस्ट, इनको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, यदि हम विभिन्न प्रकार के देवताओं, देवी देवताओं में ईश्वर को बांटना चाहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुक्त उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की थी एकेश्वरवाद के समर्थन में। दूसरा उनका धार्मिक विचार है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के तो प्रबल विरोधी थे। राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उनका ये मूर्ति पूजा के कारण ही हमारा हिंदू धर्म विभाजित है। राममोहन राय का ये कहना था कि उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। उपनिषदों में अद्वैतवाद लिखा हुआ है, यानी ईश्वर एक है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है वो शुद्ध ब्रह्म की पूजा है, यानी ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर की पूजा है। उन्होंने बलि प्रथा का घोर विरोध किया था और उन्होंने कहा कि ये मानवता विरोधी है और ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। इस कार्य को यानी बलि प्रथा जो है, बलि प्रथा पहले ऐसे हुआ करती थी, जैसे मान लो जगह जगह तो क्या है कि मनुष्य तक की बलि दिया करते थे, और जैसे जानवरों की बलि देना, यानी जैसे मान लो किसी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और किसी मूर्ति के समक्ष है वो किसी जानवर को
बलि देना, जानवर को कुर्बान करना, जानवर को मारना, ये सब जो है इन पर उन्होंने बहुत अधिक प्रबल विरोध किया था। तीसरी बात है इनकी परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति के का विरोध करते हैं। किसी चीज को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। वो ये कहते हैं कि हमें कभी भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि जैसे पिछली पीढ़ियां मानती थी तो हमें भी उसको मानना है। नहीं, हमें अपने तर्क पर सोचना है। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा, यानी हमें परंपरा के अनुसार चलेंगे तो हम हमारे विवेक का उपयोग नहीं कर पाएंगे और हम कभी भी सही काम नहीं कर सकेंगे। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। वो ये भी नहीं कहते थे कि पश्चिमी सभ्यताओं का अनुकरण करो, वो ये भी नहीं कहते थे। उनका ये भी कहना था कि यदि हम अपने अतीत से नाता तोड़ देंगे तो हम स्वयं जो है यानी अपने मार्ग से भटक जाएंगे, लेकिन वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की जो गलत परंपराएं हैं उनका उल्लंघन करना चाहिए। हमारा वर्तमान है, इस वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें जो गलत परंपराएं हैं जो अतीत में मिली है उन गलत परंपराओं का उल्लंघन करना चाहिए और तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार की जो पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था जिस समय, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को तोड़ा और इस कुप्रथा को तोड़ करके वे स्वयं प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ करके और इंग्लैंड जाकर के भारतीय समाज के पक्ष और हितों को वहां प्रस्तुत किया था, यानी वो प्रथम भारतीय थे। उन्होंने ये अपनी एक मिसाल कायम की थी। चौथी विशेषता है धार्मिक विचार है, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उसके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के प्रबल समर्थ विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का एक अनिवार्य अंग थी। वे किसी वाद विवाद में अश्लील भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे, ये उनकी सहिष्णुता थी। और अंत में हम इतना कह सकते हैं कि वे धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राम मोहन राय तो विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा है। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके और उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने धर्म को मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकाल करके उसे मानव मात्र की सेवा पर अग्रसर किया है। ये उनके धार्मिक विचार थे। आगे हम जो है इनका मानव जीवन को यानी भारत को उनकी देन के बारे में पढ़ेंगे। इनका मूल्यांकन है वो हम पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा उस अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में कितना आ रहा है इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके यानी आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ऐड हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।